हाँ जी, तो ये माय फंक्शन बना लिया यहाँ। इसके अंदर सिंपली क्या करते हैं, एक अलर्ट कर देते हैं, हेलो। अच्छा ये चीज बताएं, कोई बता दे आप में से, कि यहाँ डिफाइन करना पड़ता है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। इसको ना भी डिफाइन करें तो भी चलता है, रीजन क्या है, क्यों चलेगा ये? मतलब टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट डिफाइन करें या ना करें, नो इश्यू। इसकी रीजन, उसको कैसे क्योंकि पता? स्क्रिप्ट क्योंकि जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट हाँ जी, स्क्रिप्ट क्या? सर, ये जावास्क्रिप्ट का ही टैग है। अच्छा, अगर ये जावास्क्रिप्ट का टैग है तो ये देखें, स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं ना टाइप, तो ये काफी सारी आती हैं, सात आती हैं। मैं इसमें से ये फर्स्ट करता हूँ ना, तो ये देखें ये भी ब्लैक हो गया, मतलब उसको अब मिल ही नहीं रहा, ये जावास्क्रिप्ट मिलेगी नहीं उसको। ये तभी मिलेगी, या तो खत्म कर दूं या टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट करूं। ये देखें भी ब्लू हो जाएगा, या इसको खत्म कर दूं। ये स्क्रिप्ट का टैग सात टाइप की स्क्रिप्ट को उसको सपोर्ट करता है, बट उसको कैसे पता है कि मैंने स्क्रिप्ट हटा भी दूं तो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करेगा? सर ये जो हम फंक्शन स्क्रिप्ट, हाँ जी, कोई एक बताए। सिंपल स्क्रिप्ट होगा तो वो डिफॉल्ट टाइप तो नहीं होती इसकी, के वो जावास्क्रिप्ट बच्चे मुझे क्या पता, आप शॉर्ट ही करके कोई आंसर देंगे तो मैं उसको हाँ या ना करूंगा। हाँ जी, आपने पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा इसी के ऊपर, वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, पता होना सर इसमें चाहिए। वो और तो नहीं करता सर सिलेक्ट। देखें पता है क्या है, आंसर दें ना तो एग्जैक्ट दें कि सर इस तरह है, नहीं करता से ना डाउट आ जाता है। शॉर्ट ही चाहिए मुझे, आपको अपने एंड पे है या नहीं है, बट आंसर जब भी करें ना, कहीं इंटरव्यू में भी जाके करें, तो उसको गलत भी है ना तो श्योरिटी के साथ दें कि आपको इस चीज के ऊपर श्योर है कि यही है। आगे अलग बात है कि वो ठीक है या गलत है। एक्चुअली है इसका आंसर ये कि डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो है, बट इन HTML5, HTML5 के अंदर डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है ना वो जावास्क्रिप्ट है, ओल्डर वर्जन में नहीं है। HTML5 के अंदर उन्होंने इसको डिफाइन कर दिया कि अगर स्क्रिप्ट का टैग लगेगा तो डिफॉल्ट वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करेगा, अगर कोई अल्टरनेटिव स्क्रिप्ट यूज करनी है तो उसमें टाइप डिफाइन करें, ठीक है। सेकंड थिंग कि मैंने यहाँ फंक्शन कॉल किया, इसमें कोई एरर नहीं है, बट एक्चुअली यहाँ एंड पे सेमी कॉलन होना चाहिए। इस चीज का मुझे भी नहीं आइडिया था कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। आज से कुछ 4-5 साल पहले मेरे साथ इशू फेस आया था एक प्रोजेक्ट में, क्रॉस ब्राउजिंग इशू इसके साथ बन जाता है। एक्चुअली ये मोजिला एंड क्रोम आपके इंटेलिजेंट ब्राउजर हैं, इनमें कोई सेंटेक्स मिस्टेक हो ना जावास्क्रिप्ट की तो ये इग्नोर करते हैं, उसको खुद से मैनेज कर लेते हैं, बट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड सफारी ये नहीं करते। होपफुली इन न्यूअर वर्जन इन इस चीज को मैनेज कर दिया हो, बट पॉसिबल है कि इसको मैनेज किया और इस तरह की काफी चीजें जिनको मैनेज नहीं किया। तो प्रोग्रामर एंड डिजाइनर को हमेशा सफारी एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर बुरे ही लगते हैं, क्रोम एंड मोजिला में चीजें ठीक चल रही होती हैं, वही चीज अगर आप रन करो इंटरनेट एक्सप्लोरर में या सफारी में तो वहां मसले करते हैं। तो मेरे साथ ही मसला था, मैंने इसको रन किया, इस तरह का फंक्शन था, कॉल किया हुआ था, वो मोजिला में ठीक चले, क्रोम में ठीक चले, और मसला करे इंटरनेट एक्सप्लोरर में। एट द एंड कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद पता चला जी कि ये वाली चीज जो है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर सपोर्ट नहीं करता, ओल्डर वर्जन। अब न्यूअर वर्जन में हो पॉसिबल है सपोर्ट करता हो, तो ये वाली चीज है। ये बताने का पर्पज ये है कि इन फ्यूचर अगर आपको इस तरह का कोई इशू फेस होता है तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि प्रॉपर जो है उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। अब इसको रन करते हैं, जरा रन किया, ब्राउजर में गए तो ये हमने बटन 2 में इसको कॉल किया है, बटन 1 में कॉल करने पे तो कॉल नहीं होगा, बटन 2 में कॉल किया तो ये हेलो का वर्ड आया। यहीं से इसी फंक्शन को हमने, माय फंक्शन को फर्दर यूज करना है, कहाँ यूज करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज तक के लिए यही था।
कोशिश करें जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं इन कंट्रोल्स की करें, रीड ओनली करके देखें कोड साइज से कैसे होता है, ठीक है, पैडिंग किस तरह से देनी है, मार्जिन किस तरह से देना है, प्रैक्टिस है, जितना इंटरेस्ट शो करेंगे उतना इंटरेस्टिंग भी उतनी लगेगी, समझ भी आएगी, इश्यूज भी आएंगे, उनको फिक्स भी करेंगे। और मुझे इस चीज की श्योरिटी है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो डॉट नेट में अपना फ्यूचर जो है वो, मतलब मेरी क्लास में से ऐसी कोई क्लास अभी तक नहीं गुजरी, मतलब आइडिया नहीं होता बच्चे कहाँ गए हैं, बट इन टच रहते हैं, दो तीन चार बच्चे इन टच रहते हैं आफ्टर क्लास, मतलब अभी तक पास आउट बच्चे जो हैं मेरे गए जहाँ भी गए, अभी तक कुछ की क्यूरीज आती हैं कि सर इस तरह का काम करना है, किस तरह करना है, तो इससे आइडिया हो जाता है कि भाई डॉट नेट में फ्यूचर है बनाया हुआ है या प्रोग्रामिंग की किसी फील्ड में है। तो ये चीज पहले भी डिस्कस हुई थी कि अगर किसी को नहीं आइडिया मैंने अपना फ्यूचर कहाँ बनाना है, तो भी जो लास्ट सेमेस्टर है अपना एक मतलब डायरेक्शन उसको रखें कि मैंने यहाँ जाना है, जो इस तरह माइंडसेट किया होता है ना, जहाँ भी मिलगी वहाँ कर लेंगे, तो वो बच्चे मतलब थोड़े मुश्किल में रहते हैं, एक माइंडसेट कर लें। 48 सब्जेक्ट आई थिंक आप लोगों ने पढ़ने हैं कंप्लीट, हर एक को पता है मेरा इंटरेस्ट किस में। एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर कुछ बच्चों को ये भी लगेगा कि डॉट नेट मेरे लिए अच्छी है, मुझे अच्छी समझ लगी है, वो इसमें भी फ्यूचर बनाएंगे। जिसको कोई और लग रहा है, जिसको PHP लग रही है, किसी को मोबाइल एप्लीकेशन लगेगी, किसी को नेटवर्क्स लगेगा, किसी को डेटाबेस लगेगा, जहाँ जो सूटेबल खुद को करता है वही है, इंटरेस्ट है, तो इसको भी इंटरेस्ट के लिए ही करें। जॉब करनी नहीं करनी वो अलग मैटर है, तो प्रैक्टिस इसकी कर लें, बाकी कोई इशू हुआ तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए यही था, ठीक है, जा सकते हो आप लोग।